तो आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए स्पेशल स्वीट रेसिपी खोआ नारियल लड्डू, और खोआ भी हम घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया था, और बॉईल होने के बाद हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए हम खोआ को तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आप कभी भी घर पे स्वीट रेसिपी मिल्क वाला बनाएं तो आप उसे नॉनस्टिक पैन पे बनाएं अगर आपके पास हो तो, क्योंकि इससे क्या हमारा मिल्क जो है उसमें चिपकता नहीं है और उससे उसका कलर भी बहुत अच्छा रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मिल्क है अच्छे से थिक हो चुका है, और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर डाल देंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि जो मिल्क जो है वो बॉयल होने के बाद वो थोड़ा मीठा हो ही जाता है। और हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे और शुगर को मेल्ट कर लेंगे। और अब शुगर भी मेल्ट हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है, और अब हम इसे ठंडा करने के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया, और यहाँ पे मैंने 1 कप नारियल ले लिया जिसे रफली चॉप कर लिया है, और यहाँ पे मैंने 3 इलायची ले लिया है, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, और अब मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, और अब हम इसमें 1 कटोरी जो ग्राइंड किया हुआ नारियल है वो इसमें डाल देंगे, और 1/2 कटोरी यहाँ पे मैंने शुगर ले लिया उसे डाल देंगे, और इसे लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसमें 1/4 कप मिल्क डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब नारियल भी बिल्कुल रेडी है, हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और अब हमारा खोआ भी ठंडा हो चुका है, और अब हम इसे अच्छे से मैश करते हुए हम इसे डो बना लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा खोआ भी बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पे नारियल भी ठंडा हो चुका है, और अब हम इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने नारियल के लड्डू को अच्छे से बना के तैयार कर लिया है, और यहाँ पे मैंने खोआ ले लिया है, और हम इस तरीके से पूरे लड्डू को तैयार कर लेंगे।